प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की किस्में होती हैं। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में तीन तरह की कॉन्ट्रैक्ट की किस्में दी गई हैं। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो फॉलो करे सेक्शन 10 की ऑल कंडीशंस को, जितने भी सेक्शन 10 में कंडीशन दी गई हैं उसको फॉलो करे। मीन्स उसमें एक ऑफर हो, इसमें एक एक्सेप्टेंस हो, लीगल उसमें ऑब्जेक्ट हो, कॉम्पिटेंट उसमें पार्टीज हो। इसके अलावा जो भी उसमें कंसिडरेशन है वो लीगल हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कहते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड्स में हमें कहना हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो लीगली वैलिड है तथा कानून से उसे लागू किया जा सकता है। सेकंड है वॉइड, जो लीगल नहीं है वो वॉइड है। मीन्स सेक्शन 10 की कोई भी कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करता तो वो वॉइड है। इट मीन्स मान लो कि एक पार्टी माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकती, कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। तथा तीसरा है वॉइडेबल, मीन्स यदि कोई व्यक्ति दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको चीटिंग देकर। मीन्स मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति फॉल्स टर्म्स बनाता है, अपना जो बताता है अपने बारे में बताता है वो फॉल्स होता है, झूठा होता है, तथा दूसरे को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लगा देता है। मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं तथा दूसरी पार्टी को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं तथा वो पैसा उसमें लगा देता है, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब सेकंड पार्टी को पता लगता है कि जो फर्स्ट पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट बताई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, वो रॉन्ग थी, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा। सेकेंड पार्टी इसको वर्ड के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। ओके, तो इस तरह के तीन टाइप्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।